बिस्मिल्लाम खुवानों हजरा इस्लाम और मगरबी दुनिया हमारा सब्जेक्ट और आज पार्ट थ्री है इसमें हम ये गुफ्तु करना चाहते हैं कि इस्लाम को जब यहाँ के जो महकिन हैं उन्हें जब पेश किया तो उन्होंने सबसे पहले कुरान के तराजम किए कब से शुरू किए जिसकी गुफ्तु डॉक्टर की मशकूर साहब पिछले प्रोग्राम में कर रहे थे फरमा रहे थे तो उसके बाद उन्होंने उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं क़ुरान तो हर एक 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 लफ्स भी हकीकत है और एक एक लफ्स ही जिंदा रहने के लिए इंसान के लिए इंसान के अजराज वकासद के लिए, लिए काफ़ी है तो आइए बात करते हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब ये बताएं कि ये कुरान के जो तराजम हुए थे जी जैसा कि आप बता रहे थे दूसरे प्रोग्राम में और उससे ही आप आ, आगे चलेंगे ताकि वो चलता रहे उसी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमने पिछले हफ्ते जब बात की थी कि मुख्तलिफ तराजिम मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जबानों में किए तो मुल्ला उस्मान इस्माइल एक नाम है तारीख में ये कैथराइन दोयम के हुक्म पर सेंट पीटर्सबर्ग के मुसलमानों के लिए कुरान छाया किया गया था इसमें मुल्ला उस्मान ने जहां-जहां छपाई की गलतियां थी उनकी निशानदेही भी की थी फिर एक ईसाई के हुक्म से रूस में कुरान की अशात सन 1787 में हुई तारीख के औराक उलट जाएं तो तस्वीरें नुमाया नजर आती हैं यानी 21 जुलाई 1774 वो अहम दिन था जब किंग कनाडा अमन का मुहिदा हुआ था यानी ये कनाडा मौजूदा बल्गारिया के शुमाल मगरब में है ये मुहिदा कैथराइन के सफीर काउंट और खिलाफ उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद अवल के नुमाइंदा मुसल जैद मोहम्मद शाह के दरमियान हुआ था ये मोहम्मद पाशा जो थे ये उस वक्त खलीफा थे सुल्तान थे खिलाफतम के और उन्होंने ये मुहिदा किया था इसकी तुर्की के जो जंग थी वो खत्म हो गई थी सत्रह सो चौहत्तर खिलाफतान के लिए एक हौसला शिक्षन वाक था तुर्की यानी खिलाफतानिया से जंग के बाद क्रीमिया के इलाके में कैथराइन दोम ने असलाहत शुरू कर दी कैथराइन ने मुसलमान को मुकर किया कि वो काड़ाक के मुसलमानों को दीन की तालीम दे, दे। ये लोग इस्लाम के असूलों से पूरी तरह बाखबर नहीं थे और उन्हें गैर महजब समझा जाता था यानी उस इलाके में जो मुसलमान थे उस वक्त उन्हें गैर महजब समझा जाता था और तो कैथराइन दोयम ने मुसलमान को मुकर किया कि उन्हें इस्लाम की सही तालीम दी जाए कैथराइन ने ये सोचा कि ये लोग ईसाई बनने के लायक नहीं है इसलिए इन्हें इस्लाम की तालीम दी जाए तो ये महजब और फर्मा बर्दार हो जाएंगे इस मकसद के लिए उसने तनख्वाह पर मुसलमान को उन काजाक मुसलमानों के पास भेजा फिर ने 1782 में उफा के इलाके में मुफ्तियात इदारा कायम किया यानी जो थे, उनको जमा करके एक इदारा कायम किया जहां पर औरंगबर्ग मोहम्मद रूहान असम्बली कायम हुई और पहली मर्तबा मुसलमान उलमा को सरकारी दर्जा दिया गया जीव। जीव। यानी मुसलमान उलमा को सरकारी दर्जा कैथराइन यानी कि जो ईसाई थी उसने दिया मुसलमानों के मजहबी स्कूल शुरू हुए मसाजिद की तामीर हुई और 1780 में मॉस्को में बनने वाली मस्जिद शामिल है और फिर ये जो आज कहा जाता है कि मुसलमानों ने मदरसे बना लिए हैं इधर उधर मदरसे कायम है सबसे पहला मदरसा तो ईसाइयों ने 1780 में खुद कायम किया था रशिया में, में रूस के अंदर फिर रूसी जबान में कुरान के तर्जुमे शाया होने शुरू हुए सत्रह में नबे के फ्रांसीसी तर्जुमे से रूसी जुबान में रूस के एक अदीब और मुतरजम एन आई वेरकन ने कुरान का तर्जुमा किया उसके दो साल बाद एक रूसी शायर कॉल मालकोव ने कुरान का तर्जुमा किया ये तर्जुमा जॉर्ज सेल के अंग्रेजी तर्जुमे से हुआ जॉर्ज सेल ने जो इंग्लिश में लिखा था उसको रशियन जबान में किया गया बहरहाल अगर हम असली मामलात और असली बात की तरफ आए तो सत्रह में कैथराइन ने अरबी कुरान शाया कर दिया था इसके बाद सत्रह में कैथराइन ने वो कुरान मुसलमानों में मुफ्त तकसीम किया और साथ ही हुकूमत के खर्चे पर रूस में मस्जिद की तामीर का भी ऐलान कर दिया और मस्जिद भी कायम हो गई कैथराइन के मुताबिक ये दोनों काम इस्लाम को मुतारफ कराने के लिए नहीं थे बल्कि नुकसान पहुंचाने के लिए थे यानी एक आम आदमी जब इंटरनेट पर अगर ये देखे कि गैर मुस्लिमों ने इस्लाम के लिए क्या किया तो जब हमारे बहुत से इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स हैं वो उस पर ये वाला टुकड़ा लगा देंगे जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि रूस में कैथराइन ने मोहम्मद पाशा के साथ मुहिदा करके वहां मस्जिद तामीर की मदरसे कायम किए कुरान के तर्जुमे किए मुफ्तीन का वक्फ बनाया बड़ा अच्छा काम है एक आदमी सोचेगा ना लेकिन जो रिजवान एक साहब है डॉक्टर ऑफ हैस्लोर्स मेडिकल साइंस ने एक मकाले में उसका हवाला यह दिया है कि कैथराइन के सेक्रेटरी एलेक्जेंडर रखा पोलिस्की ने अपनी डायरी में 17 दिसंबर सत्रह की दिन की याददाश्त में लिखा है कि वो अल्फाज जो कैथराइन ने जनरल अटोर्नी डोविग एलेक्सेंडर को कहे थे जी। और वो अल्फाज थे कि मस्जिद की तमीर और कुरान की अशात इस्लाम को मुतारफ कराने के लिए नहीं बल्कि ये मुसलमानों को फांसने के लिए एक फंदा है अच्छा। अब एल्फम रिजवान की इस तहकी की मुकाले में मुकम्मल तफसील से रूस में इस्लाम और अशात कुरान के हवाले से बहस की गई है और जाहिर है हम हमारे प्रोग्रामों में तमाम रेफरेंसेस जो है वो लोगों को देंगे ताकि वो खुद उसको चेक कर सकते हैं कैथराइन का अशात कुरान और मसाजिद और मदरसे के क्याम का मकसद इस्लाम को मुतारफ कराना नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ ये फंदा था अशात कुरान से बैरूनी दुनिया से जर मुबादला के लिए रास्ता खुला था जो कुरान उस वक्त का जान यानी रूस से शायद हो रहा था उसकी मांग दूसरे ममालिक बेहद थी यहाँ तक कि ईरान और अफगानिस्तान में ये दुकानों पर नजर आता था उस जमाने में अच्छा। काहिरा इंडिया और सऊदी अरब तक ये पहुंच गया था कुरान की अशात हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी और कुरान के अलावा दीगर इस्लामी किताबें भी शाया हो रही थी अशात कुरान से कैथरीन की खारजा पॉलिसी भी अच्छी नजरों से देखी जा रही थी क्योंकि खिलाफत उस्मानिया भी कायम थी तो यानी उसने अपनी खारजा पॉलिसी जो बताई तो जो खिलाफतमानिया थी वो भी खुश थी कि इस्लाम के लिए काम हो रहा है और मकाले के आखिर में मुसनफ ने कैथराइन के अशात कुरान को कॉलोनियल जरूरत का नाम दिया था यानी ये कॉलोनियल की एक किस्म थी जैसे कॉलोनीज़ बनाई थी इंग्लैंड ने फ्रांस ने अल्जेरिया में उसको ये उसी की किस्म की एक चीज थी कैथराइन को तारीख में कैथराइन ग्रेट के नाम से याद किया जाता है मेरी अपनी नामुकम्मल तहकीक और मुख्तलि फजला की तहरीरें और किताबें पढ़ने के बाद सिर्फ इतना मालूम हुआ जितना मैंने आपके सामने पेश किया है कि कैथराइन का असल मकसद क्या था मगर मेरा जहन बहुत से सवालों के जवाब मांगता है कि कैथराइन से जब आला आलादों पर फायज सरकारी अफसरान और ईसाई लीडरों ने अशात कुरान और मसाजिद के क्याम का सबक पूछा तो उसके दो जवाब थे एक जर मुबादला यानी आमदनी दूसरा मुसलमानों के लिए फंदा आमदनी का मामला तो समझ में आता है कि चलो कुरान शरीफ की अशात हुई पूरी दुनिया में वो जा रहा है जरे मुबादला आ रहा है मगर फंदे वाली बात हलक से मेरे नहीं उतरी या तो कैथराइन की इल्मी और ना समझी थी कि उसने ये समझा कि इस तरह इस्लाम को फरोग नहीं बल्कि नुकसान होगा मगर ऐसा नहीं हुआ और कैथराइन जैसी होशियार औरत जिसने खिलाफतमानिया से मुहिदा किया हो वो इतनी नासमझ नहीं हो सकती दूसरी बात कहीं ऐसा तो नहीं कि कैथराइन को मुसलमानों और इस्लाम से दिलचस्पी हो और हमदर्दी रही हो मगर उसका खुलकर इजहार न कर सकती हो क्योंकि इस्लाम की मुखालफत में दूसरे लोग काफी मजबूत थे और फिर अशात कुरान सियासी मकासद हासिल करने के लिए था ये तहकीक मेरी अभी नामुकमल है और मैं जब इस किताब को दूसरे एडिशन में लाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जवा जवाब सवाल जो है उनके जवाब मिल जाए क्योंकि बाजत ऐसा देखा गया है तारीख में कि आप देखें बहुत सी चीजें अभी जो है उसमें तारीख जो है हमें सही जवाब नहीं दे सकी मसलन देखे हफशा में जब मुसलमानों ने हिजरत की थी तो वहां का जो बादशाह था नजाशी वो ईसाई था लेकिन उसने मुसलमानों को पना दी उसके दरबार में सूर मरियम की पहली चालीस आयतें पढ़ी गई उनका तर्जुमा किया गया उसके बाद जब उस नज्जाशी का इंतकाल हुआ तो तारीख में हमें यह भी मिलता है कि उसकी गायबाना नमाज जनाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी तो इस्लाम चुके थे लेकिन उसने ऐलान नहीं किया था अब कई वजह सियासी वजुहत रही होंगी बहुत से ऐसे वाक्यात हैं जिसमें पता चलता है तो हो सकता है कि कैथराइन को दिल से इस्लाम जो है वो अच्छा लग गया हो वो रागिब हो गई हो उसने ये काम किया हो लेकिन चूंकि उसके चारों तरफ दूसरे लोग थे जो इस्लाम के खिलाफ थे और मजबूत थे तो वो इसका खुलकर इजहार नहीं कर सकती थी खैर ये अल्लाह जानता है कि हकीकत क्या थी ज़ुबान में पहला तर्जुमाई ने इलेवन फोर्टी थ्री में किया जो पंद्रह सो तैतालीस में शाया हुआ था और जर्मन जुबान में पहले तर्जुमे के हवाले से डच जबान में तर्जुमा सोलह सो इकतालीस में हुआ एन्द्रेड डर ने सोलह सैतालीस में अरबी से फ्रांसीसी जुबान में तर्जुमा किया और स्पेनिश की जो जबान है हस्पानवी उसमें तर्जुमा अठारह सो चवालीस में डी जो और ज़ुज़वी तर्जुमा जो है हस्पानवी जबान में स्पेनिश में सबसे पहले इब्राहिम ऑफ टोलिडो ने बारह सो सत्तर में किया था यह टोलीडो किया है इस हवाले से भी हम हमारे प्रोग्राम में जो है वो बातचीत करेंगे ये एक बहुत बड़ा तर्जुमे का स्कूल है जो कायम किया गया था अब हम ये देखते हैं कि जो पहला तबाहुदा कुरान है तो हम बात करेंगे पहला पोप के हुक्म से जला दिया गया था लेकिन बाद में एक मजमून भी शायद होता है कि गुमशुदा अरबी कुरान मिल गया यानी यह उसी कुरान की बात हो रही है जिसके बारे में पहले यह कहा गया कि उसे जला दिया गया यानी पहला तबाशुदा कुरान का जो एडिशन अरबी जुबान में है और उसे वीनस में शाया किया गया था वो मिल गया उसे अलेक्जेंडर पागानी ने एक लंबी तहकीक के बाद जो है लिखा था और उसे बाद में ढूंढा गया इस बारे में मामूली सा शुबा भी है कि ये वही कुरान है जिसे पंद्रह और पंद्रह में शाया किया गया था और ये वही कुरान है जिसके बारे में हम डेविड पोर्ट डेवन पोर्ट का हवाला भी पढ़ चुके हैं के उसे नजर आतिश कर दिया गया तो तारीख इस बारे में ये बताती है कि उसे नजर आतिश नहीं किया गया था इसके बाद यूरोप में जो छापा खाना यानी प्रिंटिंग की इब्तदा पंद्रहवीं सदी के वस्त में शुरू हो चुकी थी मगर उस मगर उस दौर में मुस्लिम ममालिक में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था यानी यूरोप में तो छप रही थी चीजें मगर मुस्लिम ममालिक में नहीं था इस्लामी किताबें छप रही थी मगर यूरोप और खासकर इटली में ये काम हो रहा था जहां तक अरबी जुबान में किसी किताब के छपने का ताल्लुक है तो पॉप जूलियस दोयम ने सबसे पहली अरबी किताब शाया की और यह काम हुआ था 1514 में यह अरबी की किताब उन ईसाइयों के लिए थी जो मशरक़ वस्ता में रहते थे और जिनकी मादरी जबान अरबी थी यानी ये ईसाइयों के लिए अरबी में ईसाई लिटरेचर शाया हुआ था मगर जबान अरबी थी क्योंकि वो अरबी बोलते थे और ये मुफ्त तकसीम किया गया था कहा जाता है कि उसके असल आठ नुस्खे अब भी मौजूद हैं जिनमें दो या तीन नुस्खे ब्रिटिश म्यूजियम में यहाँ मौजूद हैं और जो लोग तारीख से दिलचस्पी रखते हैं वो ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में जाकर उसे देख सकते हैं इसके बाद वो करिक ने अपनी किताब में इस हवाले से लिखा है कि पोप जूलियस दो ने पहली अरबी की किताब शाया की थी और उस किताब का नाम था किताब सलातुल सवाह आमतौर पर उसे बुक ऑफ आवर्स भी कहा जाता है मुसनफ ने इस हवाले से काफी तहकीक की है गो के ये के ये पोप हुक्म से शाया हुई थी मगर उसको जिस शख्स ने भी शाया किया था उसका नाम क्या है फिलिप हिटी का एक ओरिएंटलिस्ट है है उसने अपनी, उसने अपनी लिखा कि बुक ऑफ आवर जो है उसके पहले सफे पर उसने लिखा है तर्जुमा किया उसने उसका इंग्लिश में अरबी से कि अल्लाह के नाम से जो हमेशा है और अब तक रहेगा उसकी हम दो सना करते हुए हम उसकी तोफीक से शुरू करते हैं और उसकी रहमत से तहरीर करते हैं रात दिन की इबादत में उसमें सबसे पहले रात की इबादत वो कहेगा हमारी इबादत और मलालत के जरिए मुकदस शख्स हमारे आका यसु मसीह हमारे खुदा हम पर रहम फरमा आमीन किताब के आखिर में ये दर्ज है कि ये मुकदस किताब बुक ऑफ आवर बरोज मंगल 12 दिसंबर खुदाबंद यसु मसीह के साल में मुकम्मल हुई अब मुसनिफ ने चार सफात पर तवील बहस के बाद यह नतीजा अखज किया है कि उस शख्स का नाम ग्रेगरी डी जोर्जरी था। अब कुरान के हवाले से जिसे नीति ने शायद किया था और डेवन पोर्ट के मुताबिक उसे पोप ने नजर आतिश करने का हुक्म दिया मगर नई तहकीक ये बताती है कि ऐसा कोई हुक्म उस ईसाई पोप ने नहीं दिया था बल्कि वो कुरान जो है वो मिल चुका है सवाल यह है कि जहां पागा नीनी ये कुरान अरबी में शाया कराया वहां कोई शख्स अरबी नहीं जानता था और ठीक उसके 10 साल बाद दूसरा एडिशन भी तैयार हो सकता था अक्टूबर 2005 में जर्नल ऑफ कुरान स्टडीज में एक मजमून शाया हुआ है ये जो कि इंटरनेट पे मौजूद है कि यानी इसमें कहानी ने एक नया मोड़ लिया है बाप और बेटा पागा ने कुरान अरबी में शाया किया ताकि उसे खिलाफत उस्मानिया को वो दे बेचे उससे कुछ आमदनी हो मगर उसमें गलतियां थी जो उन्होंने अरबी में उसको शायद किया और उसमें मानी बदल जाते थे अब ये पागानीनी ने खुद जानबूझकर किया या अनजाने में हुआ ये अल्लाह जानता है मगर मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर किया हो क्योंकि वो उससे पैसे कमाने का एक सिलसिला शुरू करना चाहता था तो उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी अब पागा नीनी ये कुरान लेकर इस्तम गए बाप और बेटा तो खलीफा वक्त ने उसे पसंद नहीं किया और हमें यह पता चलता है कि उस नुस्खे को तल्फ कर दिया खलीफा वक्त ने। में कोई लफ्ज गलत ना हो जाए उसकी एहतियात जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है के जब उसको शाया किया जाता है तो यह देखा जाता है कि उसका एक जेर जबर तक जो है वो गलत ना हो और आपको मैं बता दूं अभी हाल ही में अमीर कोयत शेख जाबर अल अहमद अल सबा ने पूरी पार्लियामेंट को तोड़ दिया था और फिर नए इलेक्शन का ऐलान किया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट के दरमियान तनाव की वजह से कुरान की अशात से है एक आयत छपने से रह गई थी जिसकी वजह से पूरा मुल्क सियासी बहरान का शिकार हो गया सिर्फ एक आयत छपने से रह गई थी पूरे कुरान में और उसने असेंबली तोड़ दी तो यानी इतना ख्याल रखा जाता है और एक और काबिल और बात यह है कि खिलाफत उस्मानिया में प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से पता चलता है कि अरबी जुबान में किसी भी चीज को छापने की मुमानियत थी अच्छा खिलाफत उस्मानिया में इजाजत नहीं थी कि आप अरबी जुबान में कोई चीज छाया करें यानी प्रिंट करें हाथ से लिखेंगे छाप नहीं सकते मजहबी तकाजों के तहत सुल्तान बायजी दो और उसके बाद आने वाले चंद खुल्फा ने अरबी जबान में किसी भी चीज को छापने पर पाबंदी आयत की थी और उसकी सजा पाबंदी तेरासी में, हुई थी। मगर दूसरी में छापने पर पाबंदी नहीं थी उस जमाने में यहूदी यूनानी और आर्मीनिया के लोग अपनी किताबें छाप सकते थे जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे सत्रह में सुल्तान अहमद सोयम ने पहली मरतबा ये इजाजत दी कि मजहबी तहरीरों के अलावा दूसरी चीजें अरबी में प्रिंट कर सकते हैं यानी अरबी में प्रिंट करेंगे मगर मजहबी तहरीरें नहीं होंगी अच्छा। कोई और चीज है आपको मजमून है, अफसाना है कोई शायरी है अच्छा। वो सत्रह सो सत्ताईस में मजहबी रहनुमा और अख्तिलाफ के, के बावजूद पहला प्रिंटिंग प्रेस सत्रह सो बयालीस में कायम हो गया और इब्राहिमी का एक शख्स है सोलह सो में ये पैदा हुआ और इस्तुल में इसकी वफात हुई ये एक स्कॉलर और पब्लिशिंग की दुनिया का बहुत तजर्बेक शख्स था खिलाफत खिलाफतमानिया में एक पहला बल्कि दुनिया का पहला मुसलमान है जिसने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कायम किया अच्छा। इब्राहिम ने खलीफा सुल्तान अहमद सोयम को दरख्वास्त दी कि प्रिंटिंग प्रेस शुरू करना जरूरी है ताकि हमारी तारीख को इल्म को महफूज किया जा सके और उसने बहुत से ऐसे नुकते उठाए जो प्रेस की इफादियत जाहिर करते थे। अब इसके बाद जब सुल्तान अहमद को दरखास्त मिली तो उसने वहां के मुफ्ती शेख अब्दुल्ला से रता किया शेख अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदाज में फैसला दिया कि अगर इस फंड से फायदा होता है कम कीमत पर किताबें ज्यादा छापी जा सकती हैं तो मैं इजाजत देता हूं क्योंकि इससे फायदा होगा मगर जहीन और होशियार लोग इस काम पर मुक्र हों ताकि छपाई में गलती का अंदेशा न रहे अब आप हाँ ये देखें कि मुसलमानों की तारीख में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामला हैं कि छपाई की इजाजत नहीं थी बहुत बाजत इंटरनेट पर हमें ये पढ़ने को मिलता है कि मुसलमान कौम बहुत पीछे थी उन्होंने खिलाफतानिया में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं आने दिया इस हवाले से बहुत से जो ओरिएंटलिस्ट है यानी मुस्तर वो जब इस्लाम के बारे में लिखते हैं तो उसको इस अंदाज से पेश करते हैं कि अब जैसे उसने अपनी किताब में लिख दिया जिसके हवाले में दूंगा कि मुसलमानों ने तो अशात पर पाबंदी लगाई हुई थी प्रिंटिंग प्रेस की इजाजत ही नहीं थी इतने बैकवर्ड थे मुसलमान तो जब हमारी नई नस्ल अंग्रेजी किताबें लाइब्रेरी में पढ़ती है तो उसके जहन में मुसलमानों का जो नक्शा बैठता है वो ये बैठता है कि यार मुसलमान कितने बैकवर्ड थे कि वो प्रिंटिंग प्रेस की इफादियत को ही नहीं समझते थे लेकिन वो ये नहीं बताते कि प्रिंटिंग प्रेस की इजाजत की वजुहत क्या थी वजुहत साफ जाहिर थी कि अगर उसमें गलतियां हो गई अगर एक किताब अगर कुरान शरीफ का एक तर्जुमा एक आदमी लिख रहा है और उसमें एक गलती हो गई तो वो एक ही किताब है सिर्फ जिसमें उसने गलती को दुरुस्त करना है या बहुत सारी गलतियां हैं तो उस पर दू, दूसरा लिखेगा लेकिन अगर एक लाख कुरान शरीफ छप गए एक गलती के साथ तो क्या होगा डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल है जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि सल्तनत उस्मानिया में जी उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी कि हाथ से लिखी हुई चीज आप रख सकते हो हाँ लेकिन आप उसको प्रिंट पब्लिक नहीं कर, कर, कर सकते उसमें यही वजह जो आपने अभी बताई है उसमें सबसे ज्यादा वजह यही होगी क्योंकि अरबी जुबान जो सल्तनत सल्तनतमिया की जुबान तो नहीं थी तो तुर्की की जुबान डिफरेंस थी टर्किश लैंग्वेज और टर्किश में भी कितने लहजे भी थे तो कुरान को समझने के लिए और उसके सही मानी जानने के लिए ही उन्होंने पाबंदी लगा रखी भी थी कि जब तक के हम अरबी पे पूरा अबूर हासिल ना कर लें जब हम किसी भी चीज को जुबान को सीखना चाहते हैं और जो कुरान पुर, है वो तो हुक्म खुदाबंदी है बिल्कुल और उसकी जब तक आप मक्का और मदनी जहाँ शामी ना हो आप उसके अंदर की तय तक नहीं, पहुंच नहीं सकते हैं तो इसलिए मेरे ख्याल में उनकी जो पाबंदी उस वक्त तक थी वो यही थी कि जब तक के लोग इल्म हासिल करके अपनी जुबान को अरबी जुबान को उतना जान ना लें उस वक्त तक वो आम के लिए नाम नहीं। हो। और उसमें गलतियों का इम्कान कम होता है और अगर एक लाख किताबें छप गई हैं और बाद में पता चला कि गलती है तो किस किस जगह से वो ढूंढेंगे और दूसरा ये है कि वो मुसलमानों के हाथों से वो किताब जाएगी ना जी बिल्कुल उस्मानिया आ, तो 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 के दौर से तो फिर फिर नाम इल्जाम अभी मैंने की मिसाल दी थी आपको तो अब थोड़ी सी बात हम करेंगे की इब्तदाई दौर में अशात है कुरान के हवाले से और फिर बाद में अगले प्रोग्राम में भी उसको कंटिन्यू करेंगे कि आईडीसी पब्लिशर है जो कि नैदरलैंड में वाक पब्लिशर है ये नैदरलैंड में यानी हौले उसने पंद्रह हॉलैंड में से अठारह से सत्तावन तक यूरोप में शाया होने वाले कुरान के जो है वो साइक्रोनिक की सूरत में शाया किए हैं यानी एक जगह जमा किया है उसने बड़ी खूबसूरत है अगर आप इंटरनेट पर जाएं तो आप देखेंगे कि 1537 से अठारह तक तकरीबन कितने साल हुए सोलह सत्रह तीन सो साल से ज्यादा 320 साल में जितने तराजिम दुनिया भर में शाया हुए या तर्जुमे हुए उनको एक जगह कर दिया उसने अच्छा वैल्यूएबल है ये जगह ये है आईडीसी। ये नेदरलैंड में है पब्लिशर का कहना है कि यह जखीरा दो वजूहत की बिना पर अहम है क्योंकि इसमें बासठ तराजुम पर मुश्तमिल है यानी इसमें सिक्सटी टू तर्जुमे हैं मुकम्मल तर्जुमे जो हुए तीन सौ सालों में जिसके जरिए मालूम होगा कि कुरान किस तरह मगरब में जो है वो मकबूल हुआ या उसकी अशात जो है वो फैली और किन वजूहत की बिना पर उन्हें शाया किया गया मगरब के उल्मा और पब्लिशरों ने इस्लाम की सनद में किताब के बारे में क्या तर्ज अमल इख्तियार किया और उसे किस तरह पेश किया ये तमाम चीजें वक्त के साथ साथ किस किस तरह इरतका पजीर हुई खास तौर पर आज के जमाने में जो मौजू है कि अंदरूनी इस्लाम से खतरा यानी यूरोप के लिए यह है ये जखीरात मौजू होगा जिनको ये लगता है कि इस्लाम खतरा है उनके लिए ये जखीरा नहाय ही मुफीद है अब जर्मनी जुबान में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा सोलह सो सोलह में सोलोमन शुगर ने किया था यह तर्जुमा बरह रास्त अरबी से नहीं हुआ था बल्कि इटालियन से यह तर्जुमा हुआ था जो इटली में जुबान में लिखा गया था उसको जर्मनी जुबान में सोलह सो सोलह में किया अरबी से जर्मनी जुबान में जो पहला तर्ज यानी इसका मतलब यह है कि 1616 सो तक कोई जर्मन ओरिएंटलिस्ट ऐसा नहीं था जिसने अरबी सीखी थी लेकिन बाद में सत्रह में जो है डेविड ऑफ मैग्रिन उसने अरबी सीखी थी उसने डायरेक्ट अरबी से जर्मनी में तर्जुमा किया और तीसरा तर्जुमा जो है वो सत्रह में ही बॉयसन ने कर दिया जर्मनी जबान के ये तीनों तराजिम में उसको एक जो है उसमें हजूर अक्रम यानी हज कर दूंगा मैं अपनी बात में कि अच्छे इस्तेमाल नहीं किए गए वो मैं बोलना नहीं चाहता यानी उन्होंने उसका तर्जुमा तो किया लेकिन उनके हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए नवज अबिल्ला वो ऐसे नहीं थे कि जिसे मैं बोल सकूं लोग उस तर्जुमे को जो है वो मौजूद है इंटरनेट पे देख सकते हैं कुरान के साथ कितनी मुखालफत हो सकती है इसका अंदाजा सोलोमन के तर्जुमे के पहले सफ़े पर लिखी इबारत से होता है यानी जो सोलोमन शुगर ने सोलह सो सोलह में किया था जर्मन जबान में उसके पहले सफ़े की मैं इबारत आपको सुना देता हूँ कि उसने क्या लिखा है उस इबारत का अंग्रेजी मतन जो है वो हम रेफरेंस में हमारे स्क्रीन पर चलाएंगे प्रोग्रामों के आखिर में और दरमियान में इसके अलावा <coughs> जर्मन जबान में और बहुत से तर्जुमे हुए यानी उसका जो अंग्रेजी मतन है वो आप देखेंगे कि उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जो हम बोल नहीं सकते इसके अलावा जर्मनी जुबान में 1834 में फ्लूजल ने तर्जुमा किया उसके बाद 1834 में ही रॉकरेट ने किया 1901 में मैक्स हैनिंग ने किया 1916 में लॉजोरस ने किया और उन्नीस में सदारडीन ने किया अरबी और जर्मन जुबान में 2000 में यानी 2000 सोलह सो सोलह के तर्जुमे से लेकर अमीर जायदान के 2000 हजार ईस्वी तक है तो हमें पता चलता है कि जो तराजुम 1939 तक या 1954 तक हुए वो उनके थे जो गैर मुस्लिम थे जबकि 1980 के बाद जो तर्जुमे हुए वो ज्यादातर जर्मन मुसलमान लोगों ने किए थे और जब हम जर्मनी में किए गए कुरान के तराज देखते हैं जैसा कि सोलोमन का तर्जुमा है से लेकर अमीर जायदान तक का तो हमें ये पता चलता है कि उन्नीस या उन्नीस तक जो तर्जुमे हुए वो गैर मुस्लिम स्कॉलर्स ने किए थे अब जो तराज नाइनटीन से पहले किए गए उनमें इसलाह की जरूरत है और ये काम हमारे आज के का है कि वो उनको देखें इससे पहले कि वो तर्जुमे हमारी नई नस्ल पढ़े हम उसमें असलाह करें और बताएं उनको कि भाई इस तर्जुमे में यहाँ ये गलतियां हैं जर्मन जुबान में तर्जुमा करते वक्त मुख्तलिफ मसाइल दरपेश होते हैं कुरान के अल्फाज को समझने के लिए पहला कदम सिर्फ माखस से आगाही और जबान पर कुदरती जरूरी नहीं बल्कि मुतरजम का कुरान और अस्बाब नजूल से आगा होना जरूरी है ताकि उसके साथ साथ उसे इस्लाम की तारीख और अरब की कबल इस्लाम शायरी से वाकफियत भी जरूरी है कुरान के तर्जुमा करने में जो मुश्किल आती है उसकी वजूहत ऑगस्ट फिशरमैन ने उन्नीस सौ छप्पन में जो है वो बताई है ये वजूहत उनके लिए है जिन्होंने उन्नीस सौ सैंतीस से पहले तर्जुमा किया था इन वजूहत को लेकर हम हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो लेकर चलेंगे हजरात अगले प्रोग्राम में मिलते हैं अपना ख्याल रखिएगा मुझे और डॉक्टर साहब को जाती थी मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज अल्लाह